आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मनचा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, वर्ल्ड कप के साथ साथ हमने सोचा कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में चूंकि शामिल है, उनकी एक ऐसी टीम बनाई जाए जो ऑल टाइम वर्ल्ड कप बेस्ट 11 हो, यानी कि वो तमाम लोग जो वर्ल्ड कप में शामिल हो चुके हैं, प्लेयर शामिल हो चुके हैं, हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो टीम खेल रही है और जो पहले खिलाड़ी खेल चुके हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से लड़के उसमें फिट आते हैं कि जो ऑल टाइम बेस्ट वर्ल्ड कप 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए। तो दोनों माहिरीन से पूछेंगे कि उन तमाम प्लेयर्स को हम कंपैरिजन भी करेंगे जो उसमें फिट इन आते हैं, उनकी वजूहत होंगी, जो फिट नहीं हो सकते उनकी भी अपनी वजूहत होंगी। तो उसका जो पहला क्राइटेरिया है वो बेसिक, वो ये है कि कोई भी प्लेयर कम अज कम 10 मैच वर्ल्ड कप के खेला हुआ होगा। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं वनडे कप की, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी के स्टैट्स हो सकता है कि T20 में बहुत अच्छे हों लेकिन वो वनडे में फिट ना हो, तो सिर्फ वनडे की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो जिन्होंने 10 मैच कम अज कम खेले होंगे पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में, उनको ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। तो इस बेसिक क्राइटेरिया को लेकर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्य साहब आपसे, वो है ओपनर्स। हमारे जी ओपनर्स बड़े शानदार ओपनर्स रहे एक जमाने में, तो हमारे पास यानी कि एक पूरी लिस्ट है, उनमें से आप हमें थोड़ा शेयर कर दीजिए कि कौन कौन से उस शामिल हैं रेस में, और फिर उनमें से बेस्ट कौन है आपके ख्याल में। अच्छा सही। देखें, जो अगर हम 75 की और 76 की बात करें तो मुश्ताक मोहम्मद और माजिद खान की जोड़ी, सॉरी सादिक मोहम्मद और माजिद खान की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, लेफ्ट एंड राइट एंड। ठीक है, तो वो दोनों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन वर्ल्ड कप्स में इतने ज्यादा मैचेस होते नहीं थे, 75 और 79 के, और 83 का वर्ल्ड कप वो लोग खेले नहीं, तो इस वजह से शायद उनके मैचेस कम होने की वजह से वो हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरे, क्योंकि 10 मैचेस वाज अ रीजनेबल क्राइटेरिया। तो एनीवेज, तो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो mid-80s में रमीज़ आजा आ गए हमारे, क्या कहते हैं, ओपनर। उनके साथ अगर हम बाद में बात करें तो उसे मुश्ताक मोहम्मद, सॉरी शुएब मोहम्मद कुछ मैचेस खेले थे। लेकिन अगर हम 90s में बात करें तो आमिर सुहेल बड़े एस्टेब्लिश ओपनर थे हमारे रमीज आजा के साथ। फिर सईद अनवर आ गए, तो फिर बाद में काफी सारे और ओपनर्स, इमरान फरहत वगैरह और अहमद शहजाद हो गए जिन्होंने ओपन ज्यादा की। तो काफी सारे ओपनर्स आते रहे, तो जिन्होंने ज्यादा खेली तो उसमें आई गेस कि अगर जहन नशीन करें हम कुछ थोड़ा सा सोचें तो सईद अनवर, आमिर सुहेल, रमीज राजा, मेरा ख्याल है कि तीन बड़े नाम हैं जिन्होंने जरा लंबे अरसे के लिए खेला। आमिर सुहेल, सईद अनवर, रमीज रमी राजा, जी शाहिद अफरीदी ने भी कुछ अर्सा ओपन किया है, तो मतलब ये भी उस 90s के लिए इसमें आप शामिल कर सकते हैं, बल्कि 2000s के लिए इसमें आप शामिल नहीं, कर सकते हैं। वर्ल्ड कप में बहुत कम किए ना उन्होंने। ओके चले ठीक है जी, चले हम तीन को कंसिडर करते हैं। तो मंशा भाई आपकी तरफ यही सवाल लेके आते हैं। नाजरीन को पहले बता दें कि ये थोड़ा एपिसोड लंबा होने जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव बातें हैं, तो हो सकता है कुछ सचिव साहब को पसंद हो, वो अपनी टीम बनाए, मैं अपनी टीम बनाऊं, और मंशा भाई की अपनी टीम यकीनन होगी। वैसे भी मंशा भाई को हम सिलेक्टर तो मान चुके क्योंकि इनकी टीम पूरी वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ये मैं बार बार बात करूंगा इस देखिए, वर्ल्ड कप में। तो मंशा भाई आपके ओपनर्स कौन कौन है? क्योंकि हमने क्वांटिटी पहले तय कर ली है, उस क्वांटिटी में से हमने क्वालिटी देखनी, हमने क्वालिटी से बात क्वांटिटी नहीं क्या देखनी। तो बात क्वांटिटी है, हम तय कर चुके हैं 10 मैचेस, उसमें अगर मैं देखूं तो वो फिर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो क्या स्टैट्स पे जाते हैं, तो उस हिसाब से तो बड़े क्लियर कट नजर आ रहे हैं रमीज राजा और सईद अनवर। क्यों सती भाई? हाँ जी बिल्कुल, और स्टैट्स पे, स्टैट्स पे बिल्कुल बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं। मैं पीछे से खिलाना चाहूं तो क्या पता मैं ऑल राउंडर शाहिद अफरीदी को ऊपर खिला दूं, क्योंकि वो बॉलिंग के उनके फिगर्स हैं वर्ल्ड कप में, बैटिंग के नहीं है, लेकिन बिल्कुल शायद जो एक पिंच हिटर मुझे चाहिए मैं ऊपर खिला दूं। फिर आमिर सहेल को निगेट नहीं हम कर सकते, किस तरह की उनकी शोहरत थी, कि किस तरह फाइटर थे वो, और बॉलिंग भी करते थे एज अ ऑल राउंडर लेफ्ट आर्म, उन्होंने बॉलिंग भी की, जो विनिंग वर्ल्ड कप है हमारा जी नाइनटी बिल्कुल टू का। तो मतलब अगर कुछ उसके अंदर हम स्टैट्स में दोनों मिलाएं, और उस वर्ल्ड कप में स्पेशली उन्होंने क्या किया जो जीते, जिसके ऊपर से हम अभी तक ये 92 के विनर हैं, कि विन हमने किए, और बाकी वर्ल्ड कप को देखें तो फिर शायद उनमें से उनका नंबर ऊपर चला जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो राजा की, बल्कि वो जो 92 फाइनल से पहले एक किस्म का सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, 100 है, और बड़ा शानदार उनका 100 है, बड़ा मैच विनिंग 100 है। तो मतलब काफी चीजें हैं जो मैं देखता हूँ, तो फिर उस हिसाब से, और वो टेक्निकली और क्या कह रहे हैं आप उन बातों पे आ सकते हैं कि शायद कुछ एग्रेसिव नहीं थे आमिर सहेल की तरह, और कुछ शॉट ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल स्टैट्स उनके साथ है। जी, आप एग्री करते हैं अपने हाँ जी रे? बिल्कुल, क्योंकि रमीज राजा उतना बड़ा फिगर नहीं नजर आते हैं हम, अगर ओवरऑल हम देखें ना,
लेकिन रमीज राजा का जो है वो वर्ल्ड कप जिसमें उन्होंने रन किए, और बेखला उन्होंने रमीज राजा और आमिर सुहेल ने इक्वल अमाउंट ऑफ मैचेस खेले हैं ना वर्ल्ड कप के, तो अगर रमीज राजा ने 700 रन किए हैं तो आमिर सुहेल ने तकरीबन 598 रन किए हैं, और रमीज राजा की एवरेज 53.8 है, आमिर सुहेल की 37 है, तो काफी डेलाइट है एवरेजेस जी में, क्योंकि हमने ऑलराउंडर्स ऑब्वियसली की कैटेगरी में और लोगों को पिक करना है और भी करना है, तो अदरवाइज आमिर सुहेल कुड हैव बीन योर सेवंथ बॉलिंग ऑप्शन ना, बट इफ यू ऑलरेडी हैव सिक्स बॉलिंग ऑप्शन देन मे बी क्या कहते हैं रमीज राजा, और रमीज राजा कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करेंगे सईद अनवर को, क्योंकि सईद अनवर जो दूसरे हमारे जिनको हम बात कर रहे हैं, सईद अनवर ऑब्वियसली तेज खेलते हैं, और तो रमीज राजा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें मेरे ठीक हो गया, को। राइट मेरा हैंड लगा लेफ्ट उसमें हैंड स्कोर भी है उस मैच में जिसमें ऑस्ट्रेलिया होम टीम बाहर हुई वर्ल्ड कप से, ऑस्ट्रेलिया का वो एक किस्म का नॉकआउट बन गया जिसमें उनकी विकेटें भी और स्कोर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल 76 किया था मैं कलम में, मैच तो विनिंग ठीक है, सेवेंटी सईद अनवर और रमीज राजा पर टाई नजर आ रही है तीनों लोगों की बजाय। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो वन डाउन टू डाउन यानी कि अपर अपर मिडल ऑर्डर कह लें इसको, तो वहां पर हमारे पास जो लोग रहे, जरा उनके नाम प्लीज वैसे सब शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद अच्छा फिर वन फर्दर डाउन फर्दर बात कर लेंगे। ट्रेडिशनली तो थोड़ा सा लोग शफल करते रहे ना बैटिंग ऑर्डर में हमेशा से, तो अगर हम 70s की बात करें तो जहीर अब्बास बहुत बड़ा नाम है, वन डाउन खेले और बड़े अरसा खेले और बड़ा नाम कमाया, एशियन ब्रेडमैन भी कहते हैं, उनके जो वनडे स्टैट्स ओवरऑल वैसे भी ना आउटसाइड द वर्ल्ड कप भी एक्सेप्शनल है, उनके जो है वो 63 मैचों में 700 है और 47 की एवरेज है, 86-87 का स्ट्राइक रेट है उस दौर में, मतलब हम बात कर रहे हैं जिस दौर में लोगों का रमीज मियां दाद का, मियां दाद उनके बाद खेले हैं और मियां दाद का 67 का, तो उस सेंस में वो ही वाज एक्सेप्शनल, लाइक वो बड़ा एक करिश्मेटिक बैट्समैन थे, वो वन डाउन काफी खेले हैं, मतलब उन्होंने काफी अर्से तक नाम बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा 80s में भी ऊपर नीचे लोग होते रहे, जो मतलब अब जिसने वर्ल्ड कप 92 में तो इमरान खान ने भी वन डाउन पारी की तो एनीवेज अगर हम वन डाउन की बात करें तो मेरे ख्याल है कि जहीर अब्बास वॉज अ ह्यूज नेम, इंजमामुल हक भी ऊपर बारी करते रहे, लेकिन क्या कहते हैं जहीर अब्बास वॉज मतलब कंपेयर नहीं कर सकते उनको क्वालिटी वाइज जी भी और स्टैट्स वाइज भी, आई मीन जहीर अब्बास के अगर मैं स्टैट देखूँ तो 14 मैचों में उन्होंने 600 रन किए हैं 49 के एवरेज से और उस दौर में 78 के स्ट्राइक रेट से। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि इनका कोई कंपटीशन कंपटीशन नहीं है, जहीर अब्बास क्लियर कट विनर नजर आते हैं। कुछ ऐड करना बिल्कुल, चाहेंगे इस पोजीशन पर अब आप? जैसे कहना कि पोजीशन शायद जावेद भी खेलते रहे और इमरान भी ऊपर आ गए और जहीर भी, लेकिन ये मेरा ख्याल वो एशियन डॉन ब्रैडमैन के नाम से जाने जाते थे, सौ सौ, और शहरे इकबाल से उनका ताल्लुक, मेरा ख्याल इससे ज्यादा क्या कह शहरे शहरे मंशा भाई भी कह सकते हैं उसको वैसे सकते ठीक है, तो जबरदस्ती। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो थर्ड सेकंड पोजीशन यानी कि जहीर अब्बास के बाद फोर्थ नंबर, फोर्थ पर जावेद मियांदाद हमें नजर आते हैं, बड़े एस्टेब्लिश बैट्समैन हैं, और उनके साथ बाकी जो कंपैरिजन हो सकता है सती भाई वो बताइएगा प्लीज हमें। देखिए मिडिल ऑर्डर में अब वैसे नंबर 3 पे एजाज अहमद, नंबर 4 नंबर 3 दोनों पे खेलते रहे, एजाज अहमद भी काफी अर्से खेलते हैं, लेकिन उनकी 22-23 की एवरेज है दोनों मतलब बैटिंग पोजीशंस पे ना, मतलब इसमें वर्ल्ड कप्स में, इंजमाम 4 पे खेलते रहे, अगेन इंजमाम की भी वर्ल्ड कप में 22-23 की एवरेज है, तो और अगर हम जावेद मियांदाद को देखें तो जावेद मियांदाद की एवरेज है जी 43 की वर्ल्ड कप में और 30,000 रन के, सबसे ज्यादा रन के पाकिस्तान में उन्होंने, तो आई गेस कि वो उनका भी कंपैरिजन नहीं बनता, जो लॉट हमारे पास जिस तरह इंजमामुल हक लेजेंड है, मोहम्मद यूसुफ वो भी 3-4 पे खेलते रहे ठीक है, तो जी उनके भी स्टैट्स काफी क्या कहते हैं मतलब करियर स्टैट्स से बहुत नीचे 30-32 की एवरेज है उनकी, तो अगर उसको भी कंपेयर करो जावेद मियांदाद बाद में तो नहीं लेकिन पहले 3 वर्ल्ड कप में बॉलिंग भी करते रहे काफी, तो क्या कहते हैं पहले वर्ल्ड कप में दूसरे तीसरे में उन्होंने बॉलिंग भी की है, तो उस सेंस में ओवरऑल अगर हम ऑल टाइम देखें तो आई थिंक जावेद मियांदाद का कंपैरिजन नहीं होगा किसी के साथ। मनशा भाई आप कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो जावेद अगर मुझे कोई इजाजत दे तो शायद उनको मैं ऑल टाइम पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर करार दे दूं, क्योंकि क्या ही क्वालिटी, क्या स्ट्रीट फाइटर, क्या गेम की समझ, क्या किस मौके पे क्या करना है, तो शायद उन जैसा क्रिकेटर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा यूनुस खान का भी नाम बड़े हमारे लेजेंड है, उसे टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन किए हुए, उनका भी नाम, उनके भी 19 मैचों में जो है ना वो 21 के एवरेज से 349 रन है, तो अगेन दीज गाइज आर बिग नेम्स, लेकिन इतफाक से वर्ल्ड कप में वो नहीं स्कोर कर सके।
जी बिल्कुल सर साहब, आपने क्लियर ही कर दिया। मैं भी यही कहने वाला था कि नाज़रीन इस पर खफा ना हो जाए हमसे, कि इतने सारे लेजेंड आपने बाहर बैठा दिए, एजाज अहमद, सलीम मलिक, उसके बाद इंजमाम इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये बहुत बड़े नाम है अपनी अपनी जगह पर। लेकिन वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो वर्ल्ड कप में इनकी, जैसे सतीश साहब ने स्टैट्स बताए, 20, 21, 22, 23 इस एवरेज में है, तो वो उस क्राइटेरिया पर फिल इन नहीं होते जहां पर बाकी लोग फिट हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जावेद मियांदाद के बाद अगला नाम हमें नजर आता है, यानी कि फिफ्थ पोजिशन पर, वो है मेरे मेरी लिस्ट में तो शामिल है मिसबाह-उल हक। ये काफी डिबेटेबल जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसबाह फिट इन होते हैं या इनके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं। अच्छा, एक तो सलीम मलिक बहुत बड़ा नाम है ये इस पोजीशन पे, और इत्तेफाक से मुझे नहीं पता कि ये सारे हमारे लेजेंड्स वर्ल्ड कप में क्यों रन्स नहीं करते सारे तो नहीं, लेकिन जो इतने बड़े, मतलब मैं विजुअलाइज कर रहा था इंजमाम पहले देख रहा, मैंने कहा इंजमाम ने बड़े रन्स किए होंगे और फिर सलीम मलिक, क्योंकि हमारे तो फेवरेट बैट्समैन नहीं अपने टाइम में, मलिक की क्या क्लास थी मलिक साहब की, लेकिन नहीं उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप में वही 20s, मतलब ये कि वे बिलो देयर करियर एवरेजेस ना, और सलीम मलिक भी बॉलिंग करते थे थोड़ी बहुत जी ठीक है, बिल्कुल लेकिन क्योंकि हम बैलेंस टीम के साथ चलेंगे जिसमें हम पहले आपकी जो पहली चीज है उसको जरा देखेंगे, तो मलिक साहब की नहीं इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। मनसा भाई जी, मिसबाह-उल हक, सलीम मलिक। मैं तो कहें कि स्ट्रेट अवे मलिक वॉक करते हैं किसी भी टीम में उनकी जी जी क्वालिटी के ऊपर, तो क्या मुझे नहीं लगता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मिसबाह बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन ये थे अगर मेरे से को पूछता क्वालिटी पे। लेकिन जहां पे हम स्टैट की बात करेंगे, मिसबाह एक शानदार कप्तान भी रहे, मलिक शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन थे मेरे ख्याल में। लेकिन मिसबाह एक अच्छे कप्तान, एक अच्छी टेक्निक वाले, एक मुस्तैद और सेफ प्लेयर और एक फाइटर, जी, और मैच को डीप ले जाने के किंग बेशक ये क्वालिटी थी जी उनकी। इस ये उनके नेगेटिव्स में लोग लेते हैं बात की, मतलब कि वो डीप क्यों लेके गए, बट आई थिंक जी जावेद मियांदाद क्वालिटी डीप लेके जाना, मैच को जीतने वाली सिचुएशन में लेके आना, मैच को 20 ओवर में हार नहीं जाना, 30 में हार नहीं जाना, बिल्कुल। आखिरी अच्छा ओवर तक सॉरी, लाना मिसबाह मैं को मलिक क्वालिटी। साहब के स्टैट्स को दोबारा वो कर दूं, मलिक साहब के जो है ना वो 23 मैचों में 591 रन है, 32 की एवरेज है, सॉरी मैं इसको कम कहता, 32 की एवरेज है, 100 है, 450 है। मिसबाह-उल-हक के जो है वो 598 रन है ठीक है, और यानी कि रन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 49 की एवरेज है, मतलब मिसबाह-उल-हक ने उनसे काफी कम मैचेस खेले हैं, 49 की एवरेज है, तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू, लाइक 32 और 49, तो अगेन डे लाइट बिटवीन द स्टैट्स, जी अच्छा सर साहब, इसमें दो इक्वल नाम, अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ रन एज वेल, तो ये नहीं कि एक ने बहुत ज्यादा रन किए एक ने कम, रन भी हाँ सेम। रन्स भी मोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा सर साहब, दो नाम इसमें रीसेंट पास में भी काफी लंबा खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, दोनों ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, वर्ल्ड कप में भी किया, उनको भी चूंकि नाजरीन के लिए मजेदार होगा कि उनको भी शामिल कर लें एटलीस्ट इस डिबेट में, वो है मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक। तो उनकी क्या स्टैट्स हैं ताकि हम अच्छा उनको वेरीफाई कर। मोहम्मद हफीज की 20-22 की एवरेज है, तो अगेन, और बॉलिंग में उनकी 35 की एवरेज है, तो अगेन इट्स हार्ड टू फिट हिम इन। करियर उनकी एवरेज ऑब्वियसली 30s में है बैटिंग की, लेकिन वर्ल्ड कप में उनके अर्ली 20s में एवरेज है। और शुएब मलिक जो है वो इतने मैचेस खेले ही नहीं इतफाक से, मैं समझ रहा था कि अच्छा शुएब मलिक 99 में डेब्यू किया और अभी रिटायर हुए हैं, तो क्या कहते हैं, लेकिन ही हैजंट एक्चुअली प्लेड अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट। मैं उनके अगर स्टैट्स आप कहते हैं तो मैं निकाल के देख लेता हूँ, पहले मैं सर्वे कर चुका हूँ उसका सारा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ देख आवर जी लीजिएगा मनशा भाई से, मैं थोड़ा साथ साथ में आगे चलता हूँ। तो जी मनशा भाई चूंकि बड़े बिग फैन भी हैं, बल्कि सारे हम बिग फैन हैं द ग्रेट इमरान खान के, वो उसके बाद आते हैं, हम उन पे बात करते हैं। अब जरा मलिक साहब के स्टैट्स में उतनी देर में मलिक साहब देख ने लीजिए। 6 मैचेस खेले हैं, वो ही डिडंट फिट इन द क्राइटेरिया, 6 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 100 रन किए टोटल वर्ल्ड कप में, तो ही इज नॉट इन द, अच्छा वो तो गेम में ही नहीं है, सिरे से वो रेस में मतलब ही नहीं। वो वर्ल्ड कप में गायब हो जाते हैं, लेकिन वैसे खेलते हैं वर्ल्ड साहब। अच्छा वैसे क्या, ठीक है जी, चले जी। शुएब मलिक मतलब आउट ऑफ लाइन हो गया, क्योंकि वो सिर्फ 100 रन उनके 6 मैचों में, तो बेसिक क्राइटेरिया पर वो पूरे नहीं उतरते 10 मैचों के। अब आते हैं जी इमरान खान, उस पर मेरा ख्याल डिबेट तो फजूल है, लेकिन उसकी कुछ खूबियां जरूर बयान कर सकेंगे। अपने दोनों माहरीन से पूछते हैं कि खान साहब क्यों हमेशा हर टीम के कप्तान ही बन जाते हैं। अच्छा उनको मैंने कप्तान नहीं बनाया अभी वैसे, लेकिन होंगे तो सही वही, लेकिन क्योंकि आई थिंक इज विन विन लॉस रेशियो इज एक्चुअली नॉट द बेस्ट, वसीम जी अकरम भी बिल्कुल शायद बेहतर हो जीतने की रेशियो ना वर्ल्ड कप्स में, ठीक है लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ये क्वालिटी तो माने कि ही कुड हैव प्लेड
एट हिज प्राइम ही कुड हैव प्लेड एज अ जेन्युइन बैट्समैन और अ जेन्युइन बॉलर, यानी कि अगर उसकी दूसरी स्किल को साइड पे भी कर देना, इंडिविजुअली ही वुड हैव प्लेड इन एनी टीम एज अ बैट्समैन और अ बॉलर। वनडे की क्रिकेट की बात करूं उस एरा की, 83 के वर्ल्ड कप में उनकी टांग टूट गई थी, उससे पहले कोई था, वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे। एज ए बैट्समैन खेले, 100 किया बड़े क्रूशियल मैच में, श्रीलंका श्रीलंका से पाकिस्तान हार रहा था उसमें, 100 किया, मतलब ही प्लेड रियली वेल एज ए बैट्समैन। ठीक है, तो यही क्वालिटी है कि उन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले और 2 तो एज ए बैट्समैन ही खेले 5 में से, तो ये उनकी क्वालिटी है। और एक टाइम में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा विकेट थे उनके वर्ल्ड कप में, बाद में तो खैर वसीम अकरम टेक ओवर कर गए। अच्छा मनशा भाई, इस इमरान खान पर बात करने के साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि दो और भी ऑलराउंडर हैं जिनको लोग बड़े पसंद करते हैं ना। उन्होंने अपने टाइम में अच्छा, बेशक थोड़ा टाइम है या लंबा जितना भी टाइम है, वो अच्छा खेले। कल भी उनमें से एक ने कोई 200 के आसपास रन दाग दिए 40+ में, तो अभी भी यानी कि उनके बैट में रन्स हैं। हो सकता है लोग कहें कि उनको वर्ल्ड कप खिला दें। तो अब्दुल रजाक आती रहती है बात यूट्यूब पे अक्सर, अब्दुल रजाक और अजहर महमूद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा जरा कंपैरिजन कर दीजिएगा ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि इमरान खान क्यों इन है और अजहर महमूद और क्यों नहीं हो सकते। जी, पहली तो बात यह है कि वो तो ग्रेट इमरान खान, ओके विनिंग और लूजिंग में यही फर्क है कि जहां पे नेहरू कप जीतना है पूरी दुनिया खेल रही है, जहां पे वर्ल्ड कप जीतना है, जहां पे कोई टेस्ट सीरीज जीतनी है इंडिया में, जहां पे शारजा कप जीतना है, तो वो विनिंग और लूजिंग में यही फर्क होता है कि 99 में हम रनर अप थे, अक्रम कैप्टन थे, 92 में हम विनर थे। शायद 99 की टीम हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, मेरा ख्याल है 92 से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत लेकिन हम ज्यादा। वो जो एक फिनिश लाइन को पार करना, वो खान साहब का खासा है और खान साहब इसीलिए ग्रेट इमरान खान कहलाते हैं। तो जहां तक आपने दो ऑलराउंडर्स की बात की, 99 का वर्ल्ड कप है क्योंकि हम फाइनल तक पहुंचे और वो इंग्लैंड में था और सेम विकेटें थी, दोनों हमें ऑलराउंडर हर मैच में तकरीबन खेले, रजाक और अजहर, तो इसलिए वो हमारे सामने। और यकीन उसके वर्ल्ड कप के अलावा भी उनकी बहुत खिदमात है, लेकिन जैसा कि हम एज अ होल पाकिस्तान की ऑल टाइम 11 देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शायद इस वजह से उनके रिकॉर्ड पे वो नहीं है कि जो इतने स्टैट्स हों कि हम उनको, बात क्वालिटी की नहीं है, बात यह है कि इस टाइम हम पूरे वर्ल्ड कप 11 को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो यकीनन हमारे मशहूर ऑलराउंडर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन ग्रेट इमरान खान को चेंज किस जगह नहीं, किसी को बात भी कर सोचना ना मुमकिन है। जी ठीक है जी, यहाँ तक तुम्हारी टीम पहुंच गई, यानी कि ऑलराउंड कैटेगरी तक हम पहुंच चुके हैं जी। खान साहब आ चुके हैं, ठीक है। सती सती भाई ने मुझे निगेट कर दिया, उन्होंने कहा जी का फिलहाल कप्तान अपनी मर्जी का नाम बताएं, क्योंकि वो सिर्फ चेयरमैन बना सकता है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या MC का चेयरमैन, वो उसकी डिस्क्रेशन है, मेरी नहीं है। तो अभी फिलहाल इस डिबेट को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं कि खान साहब इन है लेकिन अभी कप्तान नहीं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो विकेट कीपर, यस दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सती भाई, जी। राशिद लतीफ, जिनको देखा हमने, जहां से सही नाम शुरू हुए, बल्कि इवन मैं सलीम यूसुफ को भी ऐड कर लूं क्योंकि बस बड़े टाइगर, वसीम हाँ बारी स्टार्ट करें ना, वसीम बारी से बल्कि स्टार्ट। वसीम बारी से कर ले, तो फिर जब मशहूर हुए टाइगर के नाम से, जब इमरान खान ने कहा तो सलीम यूसुफ को टाइगर का खिताब दे दिया, फिर आगे चल के मोइन राशिद लतीफ, मोइन खान, कामरान अकमल, एक लंबी सारी लिस्ट है जिन्होंने सबने अच्छा अपनी अपनी जगह पर परफॉर्म किया हुआ है, विकेट जी कीपिंग में भी और बैटिंग में भी, और साथ हमारे पास सैफी भाई, सरफराज अहमद भी शामिल हैं। तो इस सारी लिस्ट को आप देखते हुए हमें बता सकते हैं कि किन के स्टैट्स जस्टिफाई करते हैं कि वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो सके। अच्छा, राशिद भाई 2 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, उनकी 20s में एवरेज है। मोइन खान ने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था हमें, मतलब बड़ा अच्छा खेले थे, लेकिन उनकी भी 27-28 की एवरेज है। मतलब ये कि आप उनको ज़्यादा कि कीपर बैट्समैन तो ले सकते हैं, लेकिन दे वर नॉट लाइक जेन्युइन बैट्समैन। मोइन खान ने हालांकि बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली है, स्कॉटलैंड से हम हार जाते हैं मैच में। अच्छा भाई, याद है 99 का वर्ल्ड कप मोइन खान ने 80 कर दिया नीचे आके। तो टू बी फेयर, लाइक इन ये अच्छे प्लेयर से वसीम बारी वॉज अ कीपर हु कुड बैट अ लिटल बिट ना, तो वो तो रेस में ही नहीं थे। सलीम यूसुफ बहुत कम खेले हैं, वो 60-70 वनडे खेले हैं, और वो 92 और 87 के वर्ल्ड कप के दरमियान में ज्यादातर मैचेस खेले हैं तो वो एक वर्ल्ड कप में उनके मैचेस इतने नहीं हुए। उसके अलावा कामरान अकमल हैं, वो खेले हैं 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2 वर्ल्ड कप में ज्यादा खेले हैं। मैं बात करूंगा क्या कहते हैं सरफराज की, सरफराज किस लिए बात करूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में 100 भी किया हुआ एज ए कीपर। और जबरदस्त, कहते हैं आपको याद हो साउथ अफ्रीका वाला मैच था 2015 वर्ल्ड कप में, जिसमें इनको नहीं खिला रहे थे वकाई बिस्वेगा, इनको ऊपर बारी की, और बड़ा मैं तो देखने गया था यहाँ पे मैच, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तो जिस तरह मनसा भाई मेंशन कर रहे थे ना कि जो इम्पोर्टेंट जगह पे रन भी किए हो, तो उन्होंने इम्पोर्टेंट जगह पे एज अ बैट्समैन रन किए, मतलब ऊपर जाके रन किए ना, तो आई थिंक चार पे के खिलाया, अच्छे
हाँ, चार सरफराज पे को भेज दिया सरफराज को। और फ्लोटिंग भेजा है, क्योंकि पहले होता था हमारे वर्ल्ड कप में एक कीपर है वही खेलेगा, दैट्स इट ना, नो डिबेट। तो इसको बहुत प्रेशर था वकाइनस वगैरह के ऊपर, उन्होंने मजबूरन खिलाया और उसने बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अनित है। तो आई गेस कि अगर मैं देखूं ओवर स्टैट्स देखें तो आई मीन उनकी 43 की एवरेज है 11 मैचों में, 100 भी है, तो आई थिंक ही इज हेड एंड शोल्डर हेड ऑफ एनीवन एल्स एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा मनीष भाई, इसी को अब सवाल को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कि स्टैट्स के लिहाज से तो सैफी भाई बहुत क्लियर कट आगे आ रहे हैं, लेकिन एलिगेंस में अगर विकेट कीपिंग की, प्योरली विकेट कीपिंग की बात करें, तो अगर आपको शामिल करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान एक जमाने तक विकेट कीपर को बतौर बैट्समैन खिलाता भी नहीं रहा, वो बस विकेट कीपर बतौर विकेट कीपर ही हुआ करते थे, तो हु इज गोना फिट इन योर टीम? देखिए ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है राशिद भाई का जो फुटवर्क और ग्लव वर्क था, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे वो अपार्ट लगता है बाकी से। लेकिन यह है कि बाकी क्वालिटी आप कह लें कि हम लकी हैं कि हमें हमेशा ही अच्छा कीपर मिला और अच्छा बैट्समैन भी होता है वो, और मोइन खान की जो क्वालिटीज थी, आज लोग शायद आजम खान की बात करते हैं कि वो CPL में T20 में जो फ्लिक से छक्के मार रहे हैं, अगर उनको नहीं पता तो ये इनहेरिटेड है। एशिया कप का फाइनल देख लें, जो मोइन ने स्वीप्स मारे हैं फास्ट बॉलर्स को, और वैसे भी उनकी बहुत जगह है, मैकग्रा को भी मार चुके हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने वो शॉट्स मारे जो आज आजम खान को लोग देख के कहते हैं कि शायद आजम खान में टैलेंट है, तो ये इनहेरिटेड है। सो राशिद राशिद भाई, कीपी के हिसाब से राशिद भाई, लेकिन स्टैट्स और जो सती भाई ने बात की है, जो सैफी भाई का सो उधर, वो मेरा ख्याल है बड़ा शानदार सो, तो चलिए मेरा ख्याल है ठीक है, वैसे भी उनके स्टैट्स जो है वो उनको, डिबेट और खत्म देखिए हो जाती है। क्वालिटीज देखे ना, किस कदर लेट खेलना, स्पिन राशिद कितने अच्छे प्लेयर हैं, तो बहुत चीजें। राशिद राशिद का 36 हाईएस्ट स्कोर है वर्ल्ड कप में ना, तो ही इज अच्छा अगेन वेरी स्किलफुल कीपर ना, जिस तरह मनसा भाई ने कहा। देखिए अब कीपिंग की अगर हम क्वालिटी की बात करें ना, तो राशिद भाई की अपनी टेक्निक थी, मोइन खान की अपनी टेक्निक थी, मोइन खान के थोड़े हार्ड हैंड्स थे ना, राशिद भाई की तरह क्लासिकल किस्म के थे। लेकिन जिस तरह कामरान अकमल है, वी डोंट रेट हिम एज अ कीपर एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू नो वो बैट्समैन था जिसको ग्लव पकड़ा दिया और वो कीपर बन गया ना। लेकिन सरफराज की जो है ना, वो विकेट कीपिंग पिछले वर्ल्ड कप तक कुछ हुए, लेकिन ओवरऑल इसके विकेट कीपिंग के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आए, वो तो अभी टेस्ट क्रिकेट में इस साल आए, तो आई थिंक हिज ग्लव वर्क वॉज गुड इनफ, ही वॉज डेफिनेटली सुपीरियर देन कामरान अकमल, ठीक है, ही देखो वॉज ऑन पार विद सलीम यूसुफ इन टर्म्स ऑफ ग्लव वर्क, बट ही वॉज डेफिनेटली नॉट एज गुड एज राशिद लतीफ ग्लव वर्क की बात कर। बिल्कुल, लेकिन मेरा आपने अगर अच्छा हम याद ओवरऑल कराया, सलीम यूसुफ जो टाइगर कहते थे इमरान खान, वो वाकई टाइगर थे, मैच विनिंग मैच में और निकल, फाइटर इनिंग्स उनकी अच्छा, पास। जी सती भाई सॉरी, तो वो अगर इस सारे को हम सम अप करें, क्योंकि राशिद लतीफ के साथ हार्ड लग ये थी कि 92 का मोइन खान खेले, 96 का राशिद लतीफ खेले, 99 का मोइन खान खेले, और फिर 2023 का राशिद लतीफ खेले, उनकी बारियां लगी हुई थी यानी कि ये तो वही नजम सेठी और जकाशरफ वाली बारी ही होगी ना बस ये बारियां लगी हाँ हुई थी, और फिर वो 2007 में ऑब्वियसली अपना कामरान अकमल आ गया, फिर वो इस तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर ओवरऑल देखें मैचेस के हिसाब से, और तो सरफराज वाज प्रोबब्ली मोर डोमिनेंट विद द बैट विद एवरेज ऑफ 40-43, देन देयर इज नो कंपैरिजन। ये तो बैट्समैन से भी अच्छी एवरेज है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी सरफराज भाई, यहाँ फिट हो गया। आगे चलते हैं जी, फास्ट बॉलिंग जो हमेशा से खास आ रहा है पाकिस्तान का, यहाँ कंपटीशन बड़ा सख्त है, किसी हद तक क्लियर भी है लेकिन सख्त भी है, मजेदार है, यानी कि कंपटीशन यूं कह लें कि वसीम अकरम है, वैसे बात कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप से अच्छा बैठ के। बॉलर हाँ कितने, आपने फास्ट बॉलर रखने कितने, 3 रखने, इमरान खान तो एक हो गया आपका, ठीक खान है साहब तो है ही जी, बाकी दो और रख सकते हैं मेरा, क्योंकि ठीक है, अच्छा 2 फास्ट हम बॉलर देखें रखा। ना, अगर अगर हम ये टीम बना चुके हैं, सरफराज अहमद तक 7 बंदे हमारे पास हो चुके हैं, तो दो अगर फास्ट बॉलर 8-9 हो गए, तो एक मैं स्पिनर डाल तीन सकता, 2 भी रख स्पिनर सकते डाल, 3 फास्ट बॉलर, चले एक को 12th मैन रख लेंगे किसी को, हैं। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे स्पिन विकेट हुई, विकेट, दो स्पिनर हाँ खिला लेंगे, विकेट को देख के, हाँ विकेट को देख के और दो यहाँ पे स्पिनर खिला लेंगे, नहीं तो एक या को। दो फास्ट बॉलर चलेंगे, आप तीन फास्ट के साथ जाइए सर, बाद और में दो विकेट, स्पिनर, हाँ जी तीन दो स्पिनर फास्ट और तीन कर फास्ट के साथ लेंगे, जाइए। 12 हो जाएंगे, 12 सेलेक्ट करते हैं सर, ठीक ठीक है है जी, ठीक हो, चलें ठीक है। तीन फास्ट बॉलर, फास्ट जी बॉलर जी हमेशा सरफराज नवाज से हम शुरू कर लेते हैं, बाकी इमरान खान तो आ ही गया, ऑलरेडी टीम में है, बाकी उससे पीछे फजल महमूद, एक पूरी सीरीज तो है ही है, लेकिन हम बहुत रिसेंट क्योंकि वनडे क्रिकेट बाद में ज्यादा शुरू हुई, तो उसमें अगर आ जाते हैं तो हमारे पास वक्कार हैं, वसीम हैं, शुएब हैं, आसिफ जी हैं, जी आमिर हैं,
और ये तो बिल्कुल रिसेंट पास्ट के हैं जिनको सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनमें से आप दोनों भाई मिलके मुझे तीन बॉलर दे दें, टीम जल्दी से भेजनी है, बस आखिरी मोमेंट है, वीजे भी नहीं लगे अभी। मनशा भाई, वसीम अकरम के तो कोई डिबेट नहीं, कोई कोई डिबेट नहीं, वो तो मेरे मतलब ख्याल है ऑल टाइम बेस्ट लेफ्ट आर्म उनके बॉलर इन द 55 वर्ल्ड आउट है 38 मैचों में, लेकिन 23 के एवरेज से, और मतलब थिंग इज लाइक उसके बारे में, क्योंकि वो बारी भी कर लेते हैं, तो मतलब उनके उनके तो डिबेट है ही नहीं ना। ठीक है, बिल्कुल। तो अब दो फास्ट बॉलर और आ गए, तो अगर हम स्टैट्स पे जाएं, मेनली स्टैट्स पे जाएं, तो उनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट फास्ट बॉलर विकेट टेकर है वो है वहाब रियाज, टू माय सरप्राइज, टू एवरीवन एल्सस सरप्राइज, बट ही हैड अ वेरी गुड 2015 वर्ल्ड कप, 15, हाँ 15 वर्ल्ड कप, राइट। तो वहाब रियाज के जो है वो 20 मैचों में 35 आउट है, 26 के एवरेज से, और 5.5 के इकोनॉमी रेट से ऑन द हायर साइड। जबरदस्त, तो वहाब रियाज हो गए, फिर वकाइनस के 13 मैचों में 22 आउट है, 21 के एवरेज से, और इकोनॉमी रेट ऑफ 5, नाउ दैट्स हाई फॉर दैट एरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आकिब जावेद, शोएब आकिब अख्तर जावेद, के सॉरी, मैं मिस किया नाम, यस आकिब जावेद भी इस रेस में शामिल है जी। आकिब जावेद जो है उनके 15 मैचों में 18 आउट है, 28 के एवरेज से, और 4.1 के क्या कहते हैं इकोनॉमी रेट से। तो अगेन सरफराज नवाज के 11 मैचों में 18 आउट है, और उनकी भी 28, सॉरी उनकी 21-22 के एवरेज है। तो और इकोनॉमी रेट सरफराज नवाज का 3.5 है, लेकिन 75 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जिसमें गवास्कर 60 ओवर बारी करके 35 रन किए थे, तो आई थिंक कि उस टाइम जनरली जो है वो क्या कहते हैं लोगों के इकोनॉमी रेट थोड़े बेहतर होते थे आजकल के दौर के हिसाब से ना। तो अब ये तीन शुएब का चार दो, देखें, शुएब अख्तर का बिल्कुल आपको बताते हैं, और शुएब अख्तर का जो है वो वर्ल्ड कप में उन्होंने थोड़े अनफिट भी काफी रहे हैं, 99 के वर्ल्ड कप में तो खैर बहुत अच्छा खेले थे, 19 मैचेस में शुएब अख्तर की 30 विकेट्स हैं, 25 के एवरेज से, और 5.1 का इकोनॉमी रेट है। तो अब अगर हम एक बॉलर में से देखें तो वकार और शुएब को करें कंपेयर, तो वकार यूनस के बेहतर स्टैट्स हैं एवरेज भी, और क्या कहते हैं इकोनॉमी रेट तो सिमिलर है, लेकिन वकार का थोड़ा सा बेहतर है। विकेट्स इनकी मतलब ये कि शुएब ने इम्पैक्ट बॉलिंग की है, तो ये उनका वो है, क्योंकि वकाइनस जिन वर्ल्ड कप्स में खेले हैं उनमें पाकिस्तान ने कोई, क्योंकि 99 वर्ल्ड कप में तो एक ही मैच खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ वो, और 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जल्दी आउट हो गया, 96 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में आउट हो गया। तो वकाइनस है तो लेजेंडरी प्लेयर है हमारे, लेकिन इतफाक से वो वर्ल्ड कप में उस तरह शाइन नहीं कर सके जिस तरह वो जी वर्ल्ड कप से बाहर शाइन किया। जी ठीक मनसा है भाई, जी, मेरा ख्याल है जब वो पीक पे थे 92 खेल भी नहीं सके, इंजर्ड हो गए, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल है मैं स्ट्रेट अवे इधर शुएब के साथ जाऊंगा। इंपैक्ट आउट प्लेयर थे, है, आउट एंड आउट, मेरा ख्याल है फास्टेस्ट बॉलर जो मैंने अभी तक देखे हैं, जो जिस और जो मतलब जो एक फास्ट बॉलर में होने जिस किसी के पास टप्पा है, यॉर्कर है, क्या कर रहा है और बैट्समैन डर के खेल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल इस एरा में मैंने शुएब से ज्यादा कुछ देखा। ब्रेटली बहुत मुझे पसंद है, लेकिन मेरा नहीं हाल जितने खतरनाक शुएब अख्तर थे शायद अभी तक कोई बॉलर ही सेरा में अच्छा थे। नहीं शुएब अख्तर तो हो और गए, इम्पैक्ट देखे, इम्पैक्ट जी देखे, अभी अगर कोई रीसेंट जी मेमोरी में 99 सेमीफाइनल, स्टीवन फ्लेमिंग खड़े हुए हैं, सीधा विकेट है, बिल्कुल पाकिस्तान डेड नजर आ रहा है, मिस फील्डे हो रही है, फील्डर कहाँ खड़ा करना है, अक्रम प्रेशर में है, स्ट्रेट अवे उसने सीधा बॉल शुएब को दिया, शुएब ने दो बॉलों पे दो आउट करके मैच पाकिस्तान क्या को। इम्पैक्ट इम्पैक्ट मैं देखना चाहता हूँ कि जहां विकेट कुछ नहीं कर रही, आप अपने जोर पे आउट कर रहे हैं, तो वो शुएब अख्तर है। बिल्कुल, नहीं, नो डाउट। तो नहीं शुएब अख्तर तो हमने कर लिया, लेकिन हमने एक फास्ट बॉलर और भी करना है। बिल्कुल, वो भी मेरे ख्याल में कोई क्लियर, मुझे आप जो कह रहे थे अगर मैं स्टैट्स में देखूं तो मुझे वहाब रियाज और वकार और किसी में नहीं, यकीनन आसिफ वकार आमिर भी लेजेंड है हैं, जी जी बिल्कुल, आसिफ आमिर भी, आमिर बिल्कुल भी, आसिफ आमिर, लोग बात करते हैं अब आकिब जावेद भी, क्रिकेटर से पूछेंगे, निपी थे, अंदर बाहर की समझ नहीं आती, आसिफ कहाँ से करते हैं, सारी बातें अपनी जगह, वर्ल्ड कप के स्टैट वहाब रियाज बीच में। जी जी सती भाई, तो वहाब ऐसे यानी कि आप बकाइनस पे वहाब रियाज को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा हाल है शेन वॉटसन पे जो उन्होंने स्पेल किया वो मेरा हाल है सदियों याद रखा जाएगा, वो जो एक फायरी स्पेल था उनका जी। सही सही सही, हाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बात उन्होंने सही की, क्योंकि अगर हम सिर्फ ब्रिलियंस की बात करें वर्ल्ड कप में, तो वहाब रियाज एक्चुअली हैज डन वेल,
जो आई गेस कि हम क्योंकि एक क्राइटेरिया में रखा हुआ है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पे बात हो रही है, तो आई थिंक वहां बिल्कुल, भी इंडिया में 5 आउट किए उन्होंने, जिसमें युवराज का हाँ नहीं बोल्ड था काफी कुछ। इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट, बिल्कुल इम्पैक्ट इम्पैक्ट बॉलिंग किया उन्होंने। तो आई गेस कि डॉक्टर साहब आप हमारा एक दो स्पिनर्स रह गए हमने जो चूज करने हैं। अच्छा वैसे मैं क्विक क्वेश्चन कर लूं कि मैंने 2 दफा कोशिश की उनको शामिल करने की, मुझे उनके स्टैट्स नहीं पता। आमिर और आसिफ आपने डिबेट नहीं की उस पर, नहीं नहीं वो तो क्या वो खेले ही नहीं अच्छा है, खेले नहीं, खेले नहीं, खेले नहीं, नहीं है? अच्छा उनके मैचेस ही नहीं इतने आते, ठीक है नहीं। चल। तो वो दोनों आउट हो गए, आकिब आकिब भी फिट नहीं आते। आसिफ तो वर्ल्ड कप में खेला है, शायद एक दो ही मैच खेला हो अगर खेला है तो। अच्छा वो आकिब जावेद, आकिब जावेद की हमने स्टैट्स शेयर किए हैं, 15 मैचों में 18 आउट हैं 28 की एवरेज से, ओके ठीक है। और कहते हैं तो वो एवरेज उनकी थोड़ी हाई है लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 4.18 है। तो नया गेंद भी तो किसी ने करना है मनसा भाई। वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, लेकिन किसी से भी बॉल हो सकता है, वो वहाँ प्रयास भी कर सकता है, अपने स्टैट्स पे शो भी कर सकता है विकेट को देखते हुए। लेकिन आकिब को यकीनन वो, क्योंकि हम वर्ल्ड कप वो जीते हैं और उसके साथ हमारी यादें हैं और हमारे जेन में वो एक स्लो बॉल भी उन्होंने जो की है वो ग्रेट बैच को न्यूजीलैंड की ओर बोल्ड किया है, तो मतलब वो वेरिएशन के साथ भी उन्होंने काम किया। स्विंग ऊपर से उनको मिली, वर्ल्ड कप फाइनल में मिली, सीम से उन्होंने आउट किए, स्लिपें लगी, यकीनन वो एक बहुत बड़ी वो हमारे वो वर्ल्ड कप विनिंग का हिस्सा थे उस टीम का। लेकिन एज अ होल अगर हम ऑल टाइम 11 देखें तो मेरा लगा वहां आप डिजर्व करते। फेयर कॉल, फेयर कॉल। ठीक हो गए अब तीसरे बॉटर स्पिनर फॉर्म, दो स्पिनर जी। जी मंशा भाई आप बताएं कौन से नाम याद आते हैं आपको। वैसे नाम मैं जी लिस्ट पढ़ देता हूँ, अब्दुल कादर से शुरू कर लेते हैं, तौसीफ, अब्दुल कादर, उनमें से जो क्राइटेरिया पर आते हैं रख लीजिएगा, बाकी निकाल दीजिएगा। सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, बाकी अब्दुल रहमान, सईद अजमल, सारे शामिल कर लें इसमें। तो आप इन इस लिस्ट में से 2 मुझे स्पिनर चाहिए जी, प्लीज। ये अगर मैं फिंगर फिंगर स्पिनर जी प्लीज सती भाई स्पिनर एक कर देते हैं और एक स्लिप स्पिनर कर देते हैं, क्या कहते हैं जी, ठीक है। मनशा भाई आप बताएं। मेरा सकलैन वाला डिबेट नहीं है फिंगर स्पिनर में, सीधे सीधे सकलैन मुश्ताक हैं, वो तो किसी सूरत भी आप उनको बाहर करेंगे तो ज्यादती है। बाकी मैं बाकी तीनों जो हैं वो आपने बात की, तो सैफ तो खेले नहीं, तो मतलब दूसरी आपने बात की मुश्ताक की और अब्दुल कादर की, द ग्रेट अब्दुल कादर, इसमें कोई शक नहीं है, उस जैसा स्पिनर बिल्कुल हमारे पास नहीं आया। जो वैरायटी उनके पास थी वो शायद अभी तक नहीं है किसी बॉलर के पास। तो मैं समझता हूँ कि मतलब मैं वहां पे शायद अफरीदी को भी देखता हूँ, आप लोगों के माजरत के साथ। मैं तीसरा अगर देखूं तो मैं शायद अफरीदी और सकलैन को भी 2 मैच खिला सकता हूँ। अगर मैं कादिर और सकलैन को खिला सकता हूँ तो मैं एक्स फैक्टर के तौर पे शाहिद खान अफरीदी को एज अ फ्लोटर, बेशक ओपनर, और साथ उनको मैं नीचे ओवर भी करवा सकता हूँ। लेकिन अगर क्लियर कट मुझे 2 चूज करने पड़े स्पिनर, तो मैं अब्दुल कादिर और सकलैन मुश्ताक के साथ जाऊँ। जी, यहाँ मुझे लग रहा है डिबेट पड़ेगी, सत्ती भाई नहीं अग्री करेंगे आपसे। नहीं, देखिए अफरीदी का मैं फैन हूँ, बिल्कुल अफरीदी मतलब अच्छे आप समझते हैं कि सक्सेसफुल और क्रिकेटर रहे हैं। डिप्लोमेटिक हो रहे हैं अब दोनों भाई, टीम बताएं सीधी सीधी, अब डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। शायद अफरीदी खिलाना नहीं चाहते, मुझे लग रहा है आप दोनों नहीं अब्दुल खिलाना कादिर चाहते से और उसको सिर्फ कवर कर रहे हैं, ये क्या अब्दुल बात हुई? कादिर और सकलैन मुश्ताक कह दिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया? आप इतनी सारी डिबेट करके नहीं डिप्लोमेटिक हो आपने, क्यों? हमने ये बताना है कि कौन ऑप्शंस थी और वो जी हमने जी चूज क्यों नहीं की, इसलिए अब्दुल कादिर और सकलैन फाइनल किया। लेकिन अच्छा मैं अफरीदी आपको बता रहा हूँ का, ऑप्शन है। अफरीदी के सर 30 आउट हैं 27 की एवरेज से, 4.5 के इकोनॉमी रेट से, सही है। तो अफरीदी माशाल्लाह 99 से 2015 तक 1, 2, 3, 4, 5 वर्ल्ड कप्स खेले हैं माशाल्लाह। लेकिन बैटिंग में उनकी 14 की एवरेज है, तो बैटिंग तो एक्सक्लूड कर देना क्योंकि हम जब भी अफरीदी को खिलाएंगे तो उसने 14 रन ही करने वाले हैं, तो वो कोई भी कर सकता है। जो हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि अब ऑल वर्ल्ड कप तो खेले नहीं उन्होंने अनलेस के वो कम बैक कर रहे हैं। तो अगर उस सेंस में जाए तो आई थिंक कि जो अब्दुल कादिर की क्वालिटी थी ना, क्योंकि मुश्ताक वाज प्रॉब्ली अ लिटिल टू स्लो फॉर वन डे क्रिकेट, ठीक है, और अफरीदी वाज अ लिटिल टू क्विक मेरे हिसाब से। अब्दुल कादिर का ये था कि वो थ्रू द एयर जिस स्पेस में गेंद करते ही वाज इन बिटवीन द टू, बट उनको जो है ना वो रीड करना ज्यादा मुश्किल इसलिए था कि उनको आप ऑफ द पिच नहीं खेल सकते, मतलब उनका ये क्वालिटी थी कि वो उनको आप ऑफ द पिच। और इमरान खान और काफी लोगों ने कहा है कि यार अगर जिस तरह शेन वॉन को फ्लिपर पे आउट मिले ना फ्रंट फुट पे, कहते हैं अगर फ्रंट फुट पे एलबी होता होता तो अब्दुल कादिर के 1000 विकेट होते टेस्ट में क्योंकि उनका फ्लिपर और गुगली अंपायर को रीड नहीं होता था, तो फ्रंट फुट पे कोई चला गया तो आपको एलबी नहीं मिलता। तो वो कहते हैं उस चक्कर में वो एक एलबी दिया था, मेरे ख्याल है शकूर राणा साहब ने, वो बड़े बदनाम हुए बाद में
लेकिन क्या कहते जब हैं अब बैट्समैन, देखे मैं अंपायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सॉरी माजरत के साथ, कि जब जी बैट्समैन रीड नहीं कर रहा गुगली और फ्लिपर, तो अंपायर कैसे रीड करेगा? उसको भी मार्जिन दे दे यार थोड़ा सा। मतलब देख ले मैं अब तारीफ की बात करूं तो जो विनर टीम के हिस्सा थे मुश्ताक, जो मेरा है उन्होंने गुगली की ग्राम हिक को, ग्राम हिक मेरा है इस टाइम काउंटी के बेताज बादशाह, और मेरा हाल शानदार बैट्समैन थे और फॉर्म में थे उस वर्ल्ड कप में। जो हिक को बॉल उन्होंने किया, ग्रामी हिक को गुगली की, और जो उन्होंने ग्राम गूच जो के उससे पिछले 80 जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है वहां पे उन्होंने स्वीपे मार मार के रवि शास्त्री को पागल कर दिया, फाइनल तक इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, और वही ग्रामी वो गूच को मजबूर कर दिया कि तुम स्पिन पे स्वीप मारो, खड़ा हो गया स्वीप। वो बहुत आकिब सारा जावेद ने कैच, कैच किया था, हाँ मेरा ले मलिक ने, आकिब जावेद, हाँ मलिक साहब आकिब से जब जावेद भी उन्होंने लगा ली, क्योंकि वाकिफ ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि मैं वैसे मलिक साहब से बोलता नहीं था लेकिन मैं उस दिन इतना खुश था मैंने मलिक से जब मतलब वो एज अ सीनियर बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं इतना अच्छा खुश था उनसे भी जप्पी लगा ली भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसकी वर्ल्ड कप फाइनल की हाइलाइट्स ही हमने इतनी दफा देखी है कि हमें सब वो याद तो है कि आगे क्या जब हो हाथ बॉल तो हाथ में पकड़ के तो भाग गया था, याद है मुझे। आगे मलिक साहब खड़े थे उन्हें जप्पी लगा ली। एनीवेज तो वो हुआ ये कि वो जो दो विकेट हैं वो मैच टर्निंग विकेट हैं, और मुश्ताक ने शानदार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बॉल की है, मतलब जिस बिल्कुल तरह उनका बॉल गिर रहा था, डिप हो रहा था, डिप होके ब्रेक हो रहा था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत अच्छे उन्होंने बॉल किए, लेकिन स्टैट्स के ऊपर अब्दुल कादिर को बीट करना मुश्किल। तो सब आपके नाम अभी आने बाकी हैं, आपने डिबेट तो की लेकिन नाम बता दें प्लीज। सती साहब नहीं, मेरे तो अब्दुल कादिर ही हैं बिल्कुल, अच्छा। नो डिबेट अबाउट इट। और सकलाइन मुश्ताक, क्योंकि वो सईद अजमल मेरे होते हैं दूसरे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले तो ओ उनमें कंपटीशन ही नहीं ना, तो वो फिर आई थिंक ये दीज टू आर माय माय पिक्स। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया याद करा दिया अजमल। मैं कह रहा हूँ कि क्या क्वालिटी, क्या स्पिनर, क्या वो एंड ओवर्स करना, बीच में ओवर करना, दूसरा करना, सब कुछ करना, लेकिन सकलैन मतलब लेकिन सकलैन ये कि पर जो 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 सर कॉपी है ना वो कॉपी होती है, और जो फर्स्ट जो ओरिजिनल है ना, मुजिद है दूसरे के वेरी जो ओरिजिनल को नहीं होता, कहते फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, जो फर्स्ट कॉपी हो तो फर्स्ट कॉपी है ना। कि दूसरी चाइना की कॉपी है नहीं, माशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल रहे, लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट में शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन सकलैन पे की वनडे में कोई कंपैरिजन नहीं। नो डाउट जी। ठीक है जी, मैं मेरा वैसे मैं वोट मुशी की तरफ जा रहा था, लेकिन अब दोनों भाई जमहूरियत है क्या करें, जमहूरियत है तो नहीं लेकिन है, तो अब मैं भी उनके साथ मिल जाता हूँ। वैसे मेरा अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं मुशी को डालूँ, चलो स्लैश कर लेते हैं, इतना 13 खिलाने ओके देना यार, एक और डाल लेते हैं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो अच्छा, वैसे मजे की बात है कि या स्टैट्स पे पूरा नहीं उतरते कि मौजूदा प्लेयर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी उस टीम में शामिल हो सके, किसी के नहीं होंगे मैच इतने ना मेरे ख्याल में। पिछले वर्ल्ड कप में जिस तरह अभी बाबर आजम ने 494 रन किए, मेरे ख्याल पिछले वर्ल्ड कप में 67 की एवरेज से, लेकिन उनके मैचेस कम थे, तो वो फिर क्राइटेरिया हमने 10 मैचेस का इसलिए रखा था कि ओवर द लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप की ऑल टाइम 11 बना रहे हैं, एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप तो खेले हो ना बंदे, समझ जी रहे, तो उस सेंस में वो उसमें नहीं है। वो कोई नहीं आ रहा, ठीक है जी, बार बार रख सकते हैं उनको। अच्छा नहीं, 12 तो रख लिए ना, हमने 12 ही रखा है। बारह सॉरी ऑलरेडी हो गया, वो तीन इसका हो गए। देखें, माजिद खान, आई मस्ट मेंशन माजिद खान, हमने पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, 7 मैचेस वर्ल्ड कप के खेले हैं, 5-50 किए उन्होंने माशाल्लाह, और वो ऑफ माशा स्पिन बॉलिंग करते थे उस दौरान, तो उन्होंने 7 मैचेस में 7 आउट भी किए, और इकॉनमी रेट है 2.5, अराउंड 2.5, सो ही वुड हैव हाँ, रमेश अनलकी भाई टू की कैच, जगह वो आ सकते थे, लेकिन हाँ शायद अनलकी लैक रमेश राजा की जगह वो आ सकते थे, रमीन लेकिन ही डिडंट प्लेड इनफ, लाइक 10 मैचेस का हमने क्राइटेरिया रख दिया ना, तो वो उन्होंने नहीं खेला। डॉक्टर सर रमीज, ये आपकी था। जो शरारतें हैं ना, ये आपने शायद सती भाई ने पिक नहीं किया, जब आपने इमरान खान का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा कप्तान क्यों होते थे, लेकिन सवाल सती भाई की तरफ चला गया, ये आपकी जो जी शरारत है ना आपने दोबारा पूछा है कि रमीज भाई नहीं, वो बस मेरा भी ख्याल था कि चूंकि आप काफी देर से कोशिश करते कि रमीज भाई को बाहर निकाले, रमीज भाई नहीं निकलते भाई, अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तक भी वो फुल इन है, दोबारा चेयरमैन भी बन सकते हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हैं उनको। कुछ ही तो पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं वो, कैसे मैं उनको बाहर कर सकता हूँ। जी चलो अच्छा, एक वैसे ही अच्छा, कप्तानी अभी बाकी है, कप्तान पे वैसे कोई डिबेट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसलिए मैं कहता हूँ कि आगे चलते हैं फिर, एक और नहीं क्वेश्चन देखिए, आप दोनों पे। इमरान खान ने जो है वो 83, 87 और 92 तीन वर्ल्ड कप्स में कप्तानी की, ठीक है, 2 में सेमीफाइनल हारे, 1 में फाइनल में पहुंचे, तो ठीक हो विच गया, इज मतलब क्वाइट हाई परसेंटेज ऑफ गेटिंग टू द नॉकआउट स्टेज, राइट। वसीम अकरम ने जो है वो 2 वर्ल्ड कप में की, 1 में क्वार्टर फाइनल, 1 में फाइनल, तो अगेन ही इज मतलब उन्होंने अपने उसमें, इमरान खान का ये था कि जगह हम क्वालिटी की बात करें, कप्तानी की क्वालिटी की, तो वसीम अकरम के पास
रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे दोनों वर्ल्ड कप्स में, या तो वसीम दैट्स अकरम राइट ने मेरे ख्याल है कि रिसोर्सेज को शायद उतना यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि उनके पास ऑप्शंस काफी थी। इमरान खान को आप देखें कि दो बॉलर्स हैं आपके पास जो रिप्यूटेबल बॉलर्स, आप वसीम अकरम और आकिब जावेद कह सकते हैं ना, जो स्विंग बॉलर्स हैं। बाकी वसीम हैदर थे, फिर एजाज अहमद, माशाल्लाह एजाज अहमद ने बॉलिंग की वर्ल्ड कप में, ठीक है, सिकंदर सिकंदर इकबाल सिकंदर भी थे, इकबाल को सर। ले गए, ठीक है। उसके बाद मतलब ये कि अगर उस वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखें, जाहिद फजल खेले थे उस वर्ल्ड कप में, कोई जाहिद जान फजल शायद लोग जानते ही ना हो, सही है, जी मतलब जी ही एक्चुअली डिड नॉट है। वो सलीम मलिक उनका ट्रम्प कार्ड था जो आउट ऑफ फॉर्म हो गया वर्ल्ड कप में आके, ठीक है, वकाइडनेस इंजर्ड हो गए। तो इमरान खान एक्चुअली प्लेड विद द प्रॉब्ली द 92 वर्ल्ड कप वाज प्रॉब्ली इफ वी लुक एट फ्रॉम 87 टू 2003, दैट वाज आवर वीकेस्ट टीम। एक्सपीरियंस दैट्स भी राइट नहीं है और आपके पास ऑप्शंस इमरान खान के पास बहुत, मतलब इजाज अहमद, आमिर सोहेल, मिला जुला के सलीम मलिक इंसानों से खुद कुछ कवर कर लिए तो करते थे, यानी कि 20 ओवर ही इस तरह कवर करते थे और उसके जी बावजूद वर्ल्ड कप जीत गए। तो आई थिंक कप्तानी का यहाँ पे तो है, तो मैं पहले तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आई थिंक कि फॉर दैट रीजन के द लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैड 92 एंड ही स्टिल वन द वर्ल्ड कप, आई थिंक खान वो साहब को मैंने पसंद। आगे भी बात की ना, विनिंग और लूजिंग को विनिंग में चेंज करना, ये खान साहब का शेवा था, क्योंकि 87 में बड़ी स्ट्रांग टीम थी। इनके बाद वसीम जाफर जो हमारे बाद में कोच और वो सिलेक्टर भी रहे हैं, वो स्टीव वॉ ने उनको 16 रन मारे, वही 16 हमारे गले पड़े। जब इनमें दाद विकेट पे थे, ब्रूस रीड गेंद कर रहा था, मुझे लग रहा था लंबा खबर ब्रूस रीड के मियां दाद विकेट पे, लेकिन मियां दाद के विकेट के बाद, और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी देर मियां दाद ने क्रिकेट खेली है, जब तक वो विकेट पे थे, बेशक 5 ओवरों में 100 चाहिए, एक यकीन था कि मियां दाद जितवाएं, तो ये क्वालिटी थी वैसे मियां दाद। तो खैर वसीम अकरम से भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो वैसे ही कानों को हाथ लगा लेगा कि खान साहब के होते हुए, इमरान खान के होते हुए मैं कैसे कप्तान मान सकता हूँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल वो खुद ही डिसाइड कर देंगे। तो खान साहब तो यूनानिमसली जी कप्तान बन गए, ठीक हो गया सर। टीम अनाउंस कर देंगे सर, सब एक क्विकली प्लीज, फिर उसके बाद एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट आप दोनों से मेरा। सर, आप अनाउंस कर देना, आप आपके पास आ गए हैं, लड़कों को इंतजार होगा, सारों अच्छा को। मैं कोई भूल ना जाऊं ना, कुछ तो माजरत भी है, बहुत सारे स्टैट्स वाले लोग थे लेकिन वो क्रेडिट। हाँ जी, सईद अनवर ओपनर से शुरू कर रहा हूँ मैं। सईद अनवर, रमीज राजा, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मिसबाह उल हक, इमरान खान, सरफराज अहमद, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वहाब रियाज और अब्दुल कादर और सकलैन मुश्ताक। मुशी भाई बाहर हो गए, चले कोई बात नहीं, बकार यूनुस बाहर हो गए, माजरत। बाकी कुछ हमारे लेजेंड जिनको हम पहले ही माजरत कर चुके हैं शुरू में ही, बहुत सारे इंजमाम से, इंजमाम, यूनुस और बाकी इतने भी हैं, उन सब से मोहम्मद माजरत। यूसुफ, मोहम्मद सलीम, यूसुफ, क्या ये सॉरी सलीम जाने, मलिक, बड़े बड़े इजाज नाम है, अहमद। क्या हाँ जी, करें। बड़े बड़े नाम है लेकिन वर्ल्ड कप के वजह से हमने टीम बनाई थी उसी के मुताबिक आमिर है। सोहेल, आमिर सुहेल एज वेल, या बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने स्टैट्स बेस्ड टीम है, ये हमारी कोई बायस टीम नहीं है, हम तीनों का यूनानिमस डिसीजन यही है। अभी तक मेरा शायद एक आध पे है इख्तलाफ, लेकिन जमहूरियत के साथ मैं उनके साथ हूँ। तो ये टीम सारी बहरहाल हमने अनाउंस कर दी, होपफुली ये टीम बेहतर परफॉर्म करेगी आने वाले वर्ल्ड कप में, ठीक है जी। अच्छा, सवाल खत्म करने से पहले एक सवाल वैसे ही आउट ऑफ, क्योंकि बच्चा भाई ने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनमें से हमें कुछ प्लेयर्स बाहर से लेना पड़ेंगे ना, 5 उधर से, 3 उधर से, 2 उधर से, तो वैसे ही इसी टीम में अगर मैं शमूलियत की आपको इजाजत दे दूं, जैसे हम वो खिलाते होते हैं, जैसे लीग्स में आजकल होता है कि आप 4 बार से खिला सकते हैं, तो मनशा भाई एक बॉलर एक बैट्समैन आपको खिलाने की इजाजत है इस टीम में, दुनिया से कहीं से भी उठा लें, आपके पास पैसे भी बेशुमार हैं, अच्छा डायरेक्ट मैंने टीम कहा में ये फिट तो अपने करना जो ऑल टाइम हमने अनाउंस किए उनमें से एक एक उठाना है, एक को बाहर निकालना है बैट्समैन को, एक को डालना है, एक बॉलर को बाहर निकालना है, एक को डालना है, है तो वरना इंटरनेशनल तो क्रिकेट। जी अच्छा पहले अब मनशा भाई जैसे आप इंटरनेशनल एनीवेयर और फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जहां से मर्जी डाल, निकालना भी है डालना भी है, एक एक। सत्य भाई आप भी अच्छा, सोच वसीम अकरम को मैं इन करना चाहता हूँ पाकिस्तान की टीम नहीं में, नहीं वसीम अकरम तो इन है, इनमें से नहीं एक निकाल सकते हैं। मौजूदा हमने जो बनाई है टीम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जो वर्ल्ड ऑल टाइम में, अच्छा, उसमें से वर्ल्ड का कोई भी डालना चाहो, चेंज करना चाहो। जी, अच्छा पाकिस्तान की टीम जो हमने अभी भी बनाई है उसमें से एक बॉलर सर, और एक बैट्समैन बाहर निकाल दे, एक बॉलर और एक सर बैट्समैन कहीं से भी दुनिया में नहीं आए। वहाब रियाज को निकाल के मैग्रा को ले आऊंगा, ठीक है, अच्छा और आपका ऊपर ओके, ऊपर से राजा साहब के साथ बहुत माजरत, लेकिन उनके जगह ब्रायन लारा को ले आऊंगा, तो मेरी टीम पूरी हो तो जाएगी। मैं ऊपर से रमीज भाई की सचिन जगह को सचिन तेंदुलकर को लेकर आऊंगा, और नीचे से आपने कहा कि बॉलिंग में, जी मुझे थोड़ा वहाब की जगह अगर वो फास्ट बॉलर मैंने खिलाना हो
मेरा ख्याल है शायद मैं मैल्कम मार्शल को ले आऊं। अच्छा, आप मार्शल को और सचिन को खिला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक स्पिनर की भी इजाजत मिल गई है, सिर्फ एक स्पिनर, स्पिनर से स्पिनर रिप्लेस करना है, दो है आपके पास, उनमें से एक निकाल कोई सकते हैं, एक नहीं शक निकाल नहीं है सकते, मेरा लेवल तो सीधा सीधा शेन वॉन एंटर होते हैं दोनों में। किसी को भी। हाँ जी अच्छा सर, मतलब मैं ना मुरलीधरन और शायद आपको लग रही है। मैं मुरली को हाँ पकड़ूंगा, मैं मैं सीधा अच्छा शेन मुरली, वॉन को खिलाऊं। मैं अच्छा अब्दुल कादिर को नहीं छेड़ूंगा लेकिन मुरली को पकड़ूंगा, सिकलैन को रेस्ट करा दूंगा। अच्छा आप स्प्लेन को रेस दे रहे हैं, उन्होंने उन्होंने कादर भाई को रेस दिए, ऐसा ही है ना मंशा भाई? हाँ, मैं जी सिकलैन बिल्कुल, को अगर रेस्ट, लेग स्पिनर की जाए लेग स्पिनर तो मैं शेन वॉन हाँ को मैं दूं। सिकलैन को रेस्ट दूंगा और मुरली को ले आऊंगा। अच्छा मुरली, ठीक है जी, दैट्स ग्रेट जी। चले, अगर इजाजत मिली तो हम इन तीन प्लेयर्स को दोनों माहरीन के मुताबिक हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपके लिए यह एपिसोड थोड़ा कुछ लंबा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, स्टैट्स बेस्ड भी करें और साथ साथ माहरीन की अपनी अपनी राय भी शामिल है इसमें, सिर्फ स्टैट्स नहीं है, उनकी अपनी पसंद और नापसंद भी शामिल है, जो कि क्रिकेट का हिस्सा होती है। 19-20 थोड़ा बहुत होता है, किसी की पसंद होती है तो वो प्लेयर शामिल हो जाता है। बाकी रही बात कि कोई भी बायस नहीं होता, सिलेक्टर जो भी होता है वो हम हो या कोई भी हो, वो सारे हर की ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट अच्छी हो और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे। तो ये थी हमारी टीम, आप भी बताइएगा हमें कमेंट में कि आपकी टीम कौन सी है, किसको निकालना है, किसको डालना है, तो ये हमें जी जरूर बताइएगा कि हम देखना चाहेंगे कि आपकी टीम हमारी टीम के कितना करीब पहुंच पाती है, या आपकी टीम हमसे बेहतर भी हो सकती है। ठीक है, इजाजत चाहते हैं अगले एपिसोड तक, अल्लाह हाफिज। हेलो फेस।